नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवपुरी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया और फिर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर क्षेत्र का हाल जाना। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी में सिर्फ घोषणाओं से राहत नहीं मिलेगी। सीएम शिवराज बताएं कि वो कब तक कौन सी राहत बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल या निशान लगाते हुए पूछा है कि क्या घटिया निर्माण करने वालों पर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदले जाने के बारे में पूछे जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ध्यानचंद को बड़ा खिलाड़ी माना। साथ ही तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मांग की है कि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी के नाम का स्टेडियम है, उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम किया जाना चाहिए। घोषणाएं कर लेनी, लोगों को तसल्ली दे देनी, ये कलाकारी करनी, इससे नहीं चलने वाला। कोविड से हम अभी गुजरे और उन्होंने उस समय भी घोषणा करी थी कि ये मुआवजा दिया जाएगा। मैं पूछता हूं कितनों को मिली? आज जो पुल और सड़कें बर्बाद हुई हैं, इनकी कब तक मरम्मत होगी? जो पुल है, जो सड़कें हैं, इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन था? क्या आप इन्हें ब्लैकलिस्ट करेंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर था? अगर सड़ा हुआ पुल बनाया, और मैं तो ये कहता हूं कि हमारा जो मौसम विभाग है वो तो 2-3 दिन पहले घोषित कर देता है कि इतनी बारिश आने वाली है। ऑरेंज अलर्ट होता है, रेड अलर्ट होता है, तो ये अचानक तो बारिश आई नहीं, ये तो नक्शे में आती है, सैटेलाइट की पिक्चर में आती है। आपने बांध को खोलने का क्या नोटिस दिया? बांध अचानक खुल रहे हैं, यही हुआ? बांध अचानक खुल रहे हैं और दूसरी बाढ़ आ रही है, साथ साथ आप बांध खोल रहे हैं, इसकी योजना बनाने की। ये तो बैठ के आपको समझ के कि प्रशासन को इसमें सावधानी बरतनी। आज हमारे किसानों के फसल का कैसे आकलन, नुकसान का कैसे आकलन होगा? क्या मुआवजा दिया जाएगा? कब तक दिया जाएगा? हमारे यहां खेती तो गुजारे की खेती होती है, ये पंजाब हरियाणा की खेती नहीं है, यहां ये गुजारे की खेती है। और जब गुजारे की खेती है तो परिस्थितियां और भयानक बन जाती है। तो मेरा तो शिवराज सिंह जी से एक प्रश्न है, आप सीमा बता दीजिए, ये सड़कें कब तक ठीक होंगी? ये मकानों के लिए जो खराब हो गए, डैमेज हो गए, उनके लिए आप क्या मुआवजा दोगे? कब तक दोगे? ये बहुत साफ प्रश्न है, आम जनता पूछती है। पर आके घोषणाएं कर दे, बैठ के केवल मीडिया को संतुष्ट कर दे, ये चलने वाली बात नहीं। मानसिकता, मुझे चिंता थी, मुझे इसका दर्द था। देखिए, ध्यानचंद जी एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत महान खिलाड़ी थे, उनके नाम पर किया, ठीक है, करें। पर साथ साथ अहमदाबाद में जो सरदार पटेल स्टेडियम है, जो मोदी जी ने अपने नाम पर कर लिया है, उसका नाम भी सरदार पटेल कर दे। देखिए, बहुत कुछ बेचा जा रहा है, बहुत कुछ बिक रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की क्या पहचान है, आप क्या सोचते हैं? आप कहीं इंटरनेट पर खोल लीजिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय अखबार है, भारत के बारे में क्या लिखा है? मैं नहीं बताना चाहता। देखो, प्राइवेट सेक्टर, ये मैं बता दूं, प्राइवेट सेक्टर केवल मुनाफे के लिए आता है। इंदिरा गांधी जी ने जब राष्ट्रीयकरण किया था कोयले के खदानों का, उन्होंने नफा नुकसान नहीं देखा, उन्होंने कहा था ये मजदूर जो हजारों फुट नीचे काम करते हैं, इनका भविष्य मैं सुरक्षित रखना चाहती हूँ। इंदिरा गांधी जी ने जब राजा महाराजाओं का प्रीमियम पर्स कैंसिल किया था, उन्होंने कहा था ये जनता का पैसा है, हम क्यों दें? और ये जो 3 काले कानून है, आप लोग समझते नहीं है, मैं आपको बड़े संक्षेप में समझा दूं कि आज मौका मिला है।